वेलकम टू एस एन चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी कुरुकुल। इन लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप टू केसेस। फर्स्ट व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी एंड व्हेन इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या क्या लिखना है इसको पूरी तरह से ध्यान से देखो। यहाँ पर मेनली क्या होता है, बच्चे डायग्राम ठीक से नहीं बना पाते हैं जिसके कारण टीचर उन्हें मार्क्स नहीं दे पाते हैं। पेपर में पूछते हैं मात्र इतना ही, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। पेपर में उतना ही पूछते हैं। अब उतना ही लिख के आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो वन सेंटेंस करके आप ज़रा इंट्रोडक्शन डाल दो, थोड़ा प्रिंसिपल डाल दो, तो इससे थोड़ा लुकअप भी बनते हैं और टीचर को ये इन्फ्लुएंस करता है जो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, ये जानता है अच्छे तरह से। तब यदि उसमें थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक भी मिल जाते हैं तो टीचर उसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए इसको ज़रा ध्यान दो बेटा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंट्रोडक्शन दिया है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। इसका प्रिंसिपल क्या काम करते हैं, इसमें दो लेंस होते हैं, एक स्मॉल फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के सामने रहते हैं और एक आंख के आगे जो रहता है उसको आई लेंस कहते हैं या आई पीस कहते हैं। अब इन दो लेंस के लिए तो एक लेंस ने कहाँ रखे ऑब्जेक्ट का, कहाँ इमेज बनाएगा और दूसरा लेंस को कहाँ रखे, कहाँ इमेज बनाती, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। किसी भी बुक में आपको प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया बेटा, बिटवीन टू एफ डैश एंड एफ डैश, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू एफ डैश एंड एफ डैश वी ऑब्टेन अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहने के लिए एफ टू एफ और एफ के बीच में रखे हैं, ये समझो वेरी क्लोज टू एफ डैश, पहले ऑब्जेक्ट के सामने हमने रख दिया, उससे दूसरे साइड रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा, अब आई लेंस को हम इस तरह से सेट करते हैं, इसके द्वारा जो इमेज बना है वो उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, तब वो उसका क्या करेगा, फिर से वो अपने हिसाब से बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। लेकिन ये उनका ऑब्जेक्ट ही उल्टा है इसलिए उसका वर्चुअल भी उल्टा ही रहेगा और फाइनल इमेज इन्वर्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर पहला, दूसरा प्रिंसिपल है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड ऑप्टिकल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस वी ऑब्टेन वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये हमारा कंडीशन है या थ्योरी है, इसी थ्योरी के आधार पर ये बनाया गया। अब इसके बाद आपके आ जाते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन। सिंपली इस समय ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस टू कन्वेक्स लेंसेस टू कन्वेक्स लेंसेस ये हो गया। कौन कौन ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस
जो ऑब्जेक्ट की तरह रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टू कन्वेक्स लेंसेस ऑब्जेक्टिव, दीज आर पहला ऑब्जेक्टिव लेंस इट इज हेल्ड टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाता है, कहना मतलब इसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, आ गया बात समझ में, ऑब्जेक्ट की रखते हैं, इट्स फोकल लेंथ, इट हैज यहीं पर देख लो, इट हैज शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, ये इसका अपर्चर भी छोटा होता है और फोकल लेंथ भी छोटा होता है। दूसरा है हमारे पास आई लेंस कहते हैं, या इसी को दूसरा नाम लिखते हैं आई पीस इट इज हेल्ड टुवार्ड्स आई, ये आँख की तरफ रखते हैं। अब इसका फोकल लेंथ कितना रखें, इट हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर भी इसका बड़ा होता है, ये होता है। कंस्ट्रक्शन में दो लाइन लिख दिए, इससे हमारे देखो बेटा क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कभी एक्स्ट्रा में लिखना पड़े तो कहते हैं सर जितना पूछा उतना ही ठीक है, उतना ही लिखो टू द पॉइंट, लेकिन थोड़ा बहुत लुकअप बनाने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा। हाँ कहोगे सर पेपर छूटेगा, तो भाई अपने हाथ में इतनी ताकत दो जो पेपर छूटे नहीं, हम लिख लें पूरा। इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन भी आपने दे दिया। अब इसके बाद है रे डायग्राम, अब रे डायग्राम लिखें या वर्किंग, यहाँ वर्किंग दे देते हैं, वर्किंग ये आ गया वर्किंग। अब वो वर्किंग हमने दिए हैं तो अब वर्किंग में हम क्या लिखें, वर्किंग में दो कंडीशन है, इमेज कहाँ बनना चाहिए, इमेज फॉर्म्स एट लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या एट इन्फिनिटी, तो आपको उस हिसाब से देखना है। अब आपके देख लो वर्किंग, इट हैज टू केसेस इस तरह से आपने इंडिकेट कर दिए। पेपर में आपको यदि जो केस पूछता है तो वहाँ पर वही केस लिखोगे। पहला व्हेन इमेज फॉर्म्स एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कहने मतलब आपके इमेज आँख से 25 सेंटीमीटर पर बनता है, ये हेडलाइन हो गया, आगे बात समझ में। अब यहाँ पर सवाल आता है, हमने क्या कहा ऑब्जेक्ट को हम एफ और डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ यदि डायग्राम हमने इतना स्पेस लिए हैं, ये जो चाहोगे जो डायग्राम हम दोनों लेंस बना लें तो बनाए नहीं बनेगा, आपको सबसे पहले एक छोटा सा लेंस बना दिया आपने। अब इस लेंस के दोनों लेंस एक कोएक्सियल ट्यूब पर फिट रहता है, हम आगे पीछे कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम है रैक एंड पिनियन मेथड्स, हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपके अपर्चर भी छोटा है तो आप यहाँ पर सिंपली एफ डैश और ठीक इतने डिस्टेंस पर 2f' लिख दिए। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लो इस डिस्टेंस पर हमने एफ और 2f लिख दिया। हमने क्या कहा है
स्टेज के बीच में होना चाहिए, तो हम क्लोज टू एफ ही रखते हैं। कहने का है बीच में ही, तो मान लो यहाँ पर बेटा हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ए और बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे चला है, ऑप्टिकल सेंटर दो लेंस है, तो इसलिए हमने इसको सी ओ लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव का। और ये कहाँ से निकलेगा सौरभ? ये एफ से निकल गया। अब दूसरा रे आपके सी से निकलेगा, सी से निकल के देखो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आके कट गया। अब इसको आगे बढ़ाओ, अब यहाँ कट रहे हैं, यहाँ से आप देखो बेटा इमेज ध्यान से देना, यहाँ पर कट गया, ए का क्या इमेज बन गया ए डैश, और ये बन गया आपका बी डैश। अब ये जितना भी लिखे हो एफ एफ डैश ओ लगा देते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव। अब हम दूसरा लेंस बनाएंगे, अब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इतना बड़ा तो लेंस होना ही चाहिए। इतना बड़ा लेंस हमने बना दिया, ये हमारा लेंस। बनाने में दिक्कत हो तो स्ट्रेट लाइन खींच लो इधर से और इधर से बना दो। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर सी ई लिख दिए आई लेंस के लिए। अब हम फोकस क्या करें, दूसरा प्रिंसिपल कहता है इसने जो इमेज बनाया इस इमेज को इसके फोकस के बीच में रखना है। अब इसका लेवलिंग कहाँ से करें, तो बेटा यहाँ पर आप लेवलिंग कर दो एफ ई एफ ई डैश, और इसी से ऊपर जितना लिए हो इधर आप मार्क कर लो कोई बात नहीं टू एफ ई डैश। तब तो इसी से इधर पीछे जाओगे तो आपके क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ ई, यहाँ स्पेस कम पड़ गया थोड़ा हम जाएंगे पीछे चले गए, तो कोई बात नहीं आप अपने कॉपी पर ठीक से करना। अब आपके देख लो यहाँ से एक रे गया पैरेलल, अब ये ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑलरेडी उल्टा है तो हम इसका जो सीधा भी बनाएंगे कन मतलब इसके हिसाब से तो उल्टा इमेज ही बनेगा ना भाई, जैसा है वैसा ही मैंने बना दिया लेकिन फाइनल इमेज क्या है मेरा उल्टा। अब यहाँ से हमने इसको एफ की तरफ मोड़ दिया, एफ से पास कर गया, दूसरा हमने सी से पास करा दिया, यहाँ पर हम आँख बना देते हैं, ये हो गया हमारा आँख जहाँ से हम देखते हैं। अब देख लो जितना हम एडजस्ट करके चले तब भी थोड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए कॉपी पर जो बनाओगे तो पहले इस तरह से, अब ये दोनों तो आगे मिल नहीं सकता है कि पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यहाँ आके मिल गया, ये हमारा हो गया फाइनल इमेज। इसको हमने ए डबल डैश बी डबल डैश बना दिए, बन गया रे डायग्राम। इस तरह से जब आप रे डायग्राम बनाओगे तब आपका रे डायग्राम सक्सेसफुल रहेगा। कई बच्चे ये बना देते पास पास, भाई ये इमेज कहाँ एडजस्ट करें नहीं करें, तो आपके इमेज ठीक से बन नहीं पाते हैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम एनी? इस तरह से आपके ये बन गए। अब लेबलिंग कर लो बेटा, अब ये जरूरी नहीं है यहीं पर हमने मिला दिए हैं, ये यहाँ भी बन सकते हैं कहीं भी बन सकते हैं। अब आपके देख लो ए डबल डैश बी डबल डैश हमने यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस शॉर्ट पड़ेगा, थोड़ा बी डबल डैश हम इधर लिख देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा हमने यहाँ पर जगह कट कर लिए, ये बन गया। इसको देख लिया आपने यहाँ पर, अब आपके देख लो एंगल फाइनल इमेज। अब इसका लगाओ, ये मान लो डी पर बनते हैं, इसका हमने कैपिटल डी लिख दिया, ये आपका यू
यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ओ लिखो फॉर ऑब्जेक्टिव, और ये आपके यहाँ से इमेज यहाँ बने हैं वी नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बना हुआ वी नॉट लिख दिया हमने। अब ये इसने डी पर बनाया, अब यहाँ पर सी बी ई हमारा ये निकल गए। इसका साइज देना चाहो तो मान लो एच लिखते हैं एच डैश लिखते हैं, तो हमें वो सब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमने जितना लिख दिया दैट्स सफिशियंट। आए बात समझ में? अब इसमें मेरे ख्याल से कोई छूट नहीं रहा है, फिर भी दिखाना चाहो ये हमारा एफ ई हो गया, और इसका दिखाना चाहते हो तो एफ नॉट, ये हमारा एफ नॉट हो गया, यहाँ पर दिखा दिए दैट्स योगे। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेट दिस द एस्टिमेटिक, द एस्टिमेटिक रे डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन इज ए पार्ट इमेज फॉर्मेट दिस, इसको पार्ट वन, इसको भी पॉइंट बना देता है बेटा। Schematic ray diagram of the situation is shown in figure. Second part में लिख लो AB is object whose AB is object lying between F dash and 2F dash whose इमेज इज ए डैश बी डैश व्हिच इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ये मैग्नीफाइड है, वर्किंग में इतना लिख दिए। अब जब आई लेंथ इज एडजस्टेड, आई लेंस इज एडजस्टेड सच दैट ए डैश बी डैश थर्ड आई आई लेंस इज एडजस्टेड एडजस्टेड सच दैट ए डैश बी डैश लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइलेंस, आइलेंस हुज हुज इमेज इज ए डबल डैश बी डबल डैश हुज इज which is erect, which is erect erect virtual and magnified with, ये लिखना जरूरी है, with respect to a dash b dash, a dash b dash के रिस्पेक्ट में, ए डैश बी डैश जिधर था उधर ही इसका बना है, इसके रिस्पेक्ट में तो ये सीधा हुआ ना, अब उसको मिला ही उल्टा तो सीधा कहाँ से कर देगा। हाँ, अब हमारे पास यहाँ तक देखिए फोर्थ में 10 फाइनल इमेज, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी लिख देते हो विद रिस्पेक्ट टू ए वी, ए वी की रिस्पेक्ट में फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है इन्वर्टेड है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक्स में ए पॉइंट बना दिए हैं, फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ। अब इसका हो गया मैग्नीफाइंग पावर, फाइंग
पावर द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज एट द आई टू द एंगल मेड, या सबटेंडेड भी लिख सकते हो, बुक वाले सबटेंडेड लिखते हैं, हमने मेड लिखा है सिंपल लैंग्वेज, रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज व्हिच इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, व्हिच इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट placed at least distance of distinct vision that is called its magnifying power, इसको हम इसका magnifying power कहते हैं। Therefore, magnifying power M लिखते हैं बेटा, यहाँ लिख दिए। Sixth में देखो expression for magnifying power, expression for magnifying power, कभी कभी इतना ही पूछता है तो हम इतना ही लिख लेंगे। एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, अब बीटा दिखाओ बेटा कहाँ से बन रहा है, बीटा यहाँ से बन रहा है, ये एंगल बीटा है। अल्फा कहाँ से बनेगा, इमेज यहाँ बने हैं, अब यहाँ पर हमने ए वन लिख दिया और इसको हमने यहाँ से बनाया, यहाँ से मिलाया, ये एंगल हो गया अल्फा। जहां पर इमेज बना है वहीं पर हम ऑब्जेक्ट को रख दिए ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, तब देखते हैं वो कितना बड़ा एंगल बनाता है, दैट इज अल्फा। आए बात समझ में, बंद नहीं करना। दिस इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर स्मॉल एंगल्स इन रेडियन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, तो इसीलिए हमारे पास क्या टेन बीटा इक्वल टू टेन बीटा। अब सबकी वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं बेटा, एम टेन बीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टेन बीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ से नहीं लेके हम डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं, तो आप यहीं से ले लो, या बड़े लेते हो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन, वहाँ से c e b डबल डैश, ये हो गया हमारे पास इमेज के लिए, और वहीं पर अल्फा लिखे हैं a1 अपॉन अल्फा के जगह पर a1 b डबल डैश अपॉन c e, हमने c e लिखे थे, अब c e b डबल डैश ये लिखे हैं। देखो बेटा स्पेस हम बचाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर देख लो, आ गया बात समझ में। नेक्स्ट लाइन में आपका a डबल डैश b डबल डैश अपॉन c e b डबल डैश इंटू c e b डबल डैश अपॉन a डबल डैश b डबल डैश, इसमें से ये और ये कट गया, हमारे पास क्या मिल गया,
ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ए वन ए वन बी डबल डैश ये मिल गया, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर हो गए। ए वन बी डबल डैश का मतलब क्या हो गया हमारा ए बी, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए वी। देख लो बेटा, ये हमने इसी के साइड से यहाँ लिए थे, इसलिए ए वन बी डबल डैश दैट इज ए वी। अब इसमें से देखो बेटा, यहाँ तक तो हमने लिख दिया, बीच का इमेज गायब हो गया। अब हम बीच के इमेज को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, देख लो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए वी लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा, लेकिन हमारे सॉल्यूशन हल्का हो गया। अब ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश दैट इज मैग्निफिकेशन इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, मैग्निफिकेशन बाय आई लेंस। और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दैट इज मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव आप पर इमेज साइज अपॉन, इसके लिए ये इमेज हुआ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इसका मैग्निफिकेशन। और इसके दिस इक्वल टू हम यही नोट कर देते हैं, देख लो इम्प्लाइज एम इक्वल टू इसके जगह पर हम एम ई लिख देते हैं, मैग्निफिकेशन एम ई इंटू एम नॉट। आ गया बात समझ में, बट हम क्या जानते हैं, बट एम ई इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ लिखते थे, यहां एफ ई लिख देंगे भाई आइलेंस का हो गया ना। एंड रियल इमेज के केस में एम नॉट इक्वल टू क्या पढ़े हो, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये पढ़े हो ना रियल इमेज के केस में। ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आपके हो गए एम अपॉन वन प्लस डी अपॉन एफ ई इंटू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। इसको सीधा करके लिख लो, एम अपॉन माइनस वी नॉट अपॉन यू वन प्लस डी अपॉन एफ ई रिजल्ट। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब कहोगे सर इसमें तो निगेटिव आ गया, हेयर मैं क्लियर लिख देता हूँ, निगेटिव साइन शोज दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, फाइनल इमेज इन्वर्टेड ही मिलेगा ना भाई, ए बी के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड निकल गए। थोड़ा और हम बढ़ाते हैं, आगे बात समझ में आता। अब थोड़ा ध्यान रखो, अब स्पेस नहीं है बेटा, चलो यहाँ ऊपर मिटाएं, थोड़ा और बच गया। देखो हमने शुरू में ही कहा था ए बी इज वेरी क्लोज टू एफ जीरो, फोकस के पास होते हैं, तो उसके केस में हम सी बी जो हम लिखे हैं एज ए बी इज वेरी क्लोज टू एफ नॉट डैश,
देयरफॉर यू नॉट, दिस इज इक्वल टू यू नॉट जो हम लिखे हैं, यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं देख लो, दैट इज इक्वल टू सी नॉट बी, सी नॉट बी, यहाँ तक ये हुआ। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी वन, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी नॉट एफ नॉट डैश, दिस इक्वल टू एफ, इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं एफ, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट, एफ नॉट हो गया। तो यहाँ पर हम यू नॉट लिखे थे, वहाँ पर ये लिख सकते हैं। और नेक्स्ट में देखो, इसी तरह से वी नॉट इक्वल टू, वी नॉट इक्वल टू, हमने कहा है इसको एथी के बीच में रखते हैं, करीब करीब इसके वेरी क्लोज रखते हैं, करीब करीब लेंस के बहुत पास, ये जो देखते हो ए डैश बी डैश, लेंस को हम इतना रैक एंड पिनियन मेथड से सरकाते हैं, ये करीब करीब इसके पास हो, वी नॉट दैट इज सी नॉट बी डैश, सी नॉट बी डैश अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी नॉट सी ई इक्वल टू सी नॉट सी ई, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या ऑप्टिकल सेंटर इसके पास, दिस इक्वल टू फोकल लेंथ जो सॉरी दिस इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, टोटल लेंथ कितना हो गया इसके बीच में, इसको हम एल कहते हैं, दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को, दिस इक्वल टू एल, दैट इज लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब जिस पर हमारा ये सेट किया हुआ है। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, अब वी नॉट की जगह ये हो गया, देन देन एम इक्वल टू वी नॉट था मेरे पास, वी नॉट अपॉन यू लिखे थे ना हम, वन प्लस डी वाई एफ ही लिखे थे, दिस इक्वल टू एम इक्वल टू माइनस एल नॉट अपॉन यू नॉट के जगह पर एफ नॉट, वन प्लस डी वाई एफ ई, आगे बात समझ में, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड रिलेशन। आपको बेटा बार बार कहते हैं बुक वाले नेगेटिव साइन को यहाँ पर मोड के साइन में लगा देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव एम की वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो उस कंडीशन में जो हम डालेंगे तो हमारे पास कहोगे क्यों डी नेगेटिव, ये नेगेटिव प्लस मिलेगा, ये वन प्लस है, अब ये नेगेटिव है, मीन्स फाइनल इमेज हमारा इन्वर्टेड है, ये आपका वर्किंग हो गया व्हेन इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब दूसरा केस बच गया वर्किंग में बी, व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, या तो उसका अलग से केस कर लो या नहीं तो इसी में कर देंगे, स्टॉप कर दो, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। देखो बेटा अभी आपने सीखा वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल केस, नॉर्मल मैग्निफिकेशन। वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप when image forms at least distance at infinity इमेज इन्फिनिटी पर बनते हैं। तो उस दिन भी बेटा हमने आपके दिखाए थे, मेनली इसके डायग्राम में ही है, इसके कहेगा क्या वर्किंग बताओ, रे डायग्राम बनाओ, कई जगह वर्किंग फार्मूला लर्न भी कर लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर की, तो ये बच्चे बना नहीं पाते हैं। तो इसका डायग्राम हम फिर यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, केवल डायग्राम बच गया था, देख लो
ये हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये हमारे पास सी नॉट हमने लिखे। इसी से थोड़ा हट के यहां पर हमने एफ ई सॉरी एफ ओ डैश लिखे थे और ये हमारे पास देखो टू एफ ओ डैश की हो। अब यहां से जब चलेंगे तो हमने आपको बताया था ठीक कितने डिस्टेंस पर एफ ओ और टू एफ ओ ये हमने लिख दिया। कहते हैं मैग्निफिकेशन चाहिए हो तो हमने इन दोनों को बीच में रखना है वर्किंग के लिए। तो है ऑब्जेक्टिव प्लेन, लेकिन हम इन दोनों के बीच में नहीं रखे, करीब करीब फोकस के पास रखते हैं। तो मान लो फोकस के पास हमने यहाँ रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब यहाँ से एक रे तो चला ऐसे, अब आपको हमने डायग्राम सही हो तो बीच में हमने कहा था लाइन खींच दिया करो, यहाँ तक आपके ये हो गए। और यहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये फोकस का आपका होगा रिफ्लेक्शन। अब दूसरा हमने कहा था ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है, दूसरा अब रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया ये बन गया, यहाँ कट गए, ये हमारा हो गया ए डैश और यहीं से परपेंडिकुलर डाल दो, ये हमारा बन गया बी डैश, ये हमारे पास इमेज बन गया इसके द्वारा। यस सर। अब यहाँ से हमें दूसरा बनाना है, दूसरे बनाने के लिए थोड़ा यहीं पर देखने में अच्छा लगे ऐसे बना, ये हो गया। मैं आपको ये लाइन दिखाना जरूरी है। अब हमने यहाँ से हटके ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहीं पर थोड़ा बड़ा माइक्रो ये आइलेंस लगा दिए, ये भी इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये सी ई हमने लिखा था ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइलेंस। और यहीं से एक लाइन सी अपना खींच लो जिससे इमेज क्लियर बने। अब यहाँ पर देखो नियम के अनुकूल ये नहीं वहां जाते तो हम सिंपली आपको यहाँ खींच देते हैं, देख लो बड़ा सा हमने ये बना दिया, अब तो आपके और क्लियर हो जाएंगे। हाँ सर, ये हो गया। अब ये ऑप्टिकल सेंटर है सी ई, ठीक है। नियम के अनुकूल ये और ये इसका एफ ई है, एफ ई डैश। अब समझ लो इससे हटके यदि आप यहाँ बना दो क्या हो जाएगा, टू एफ ई डैश यहाँ मिलेगा। यस सर, टू एफ ई डैश यहाँ बनेंगे। यस सर, यहाँ पर बनेगा टू एफ ई डैश। और ठीक इतना ही हट के हमने पीछे यहाँ पर लिख दिए एफ नॉट सॉरी एफ ई, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो टू एफ ई बनेगा। अब हमने क्या कहा, एक रे जो पैरेलल गया वो कहाँ से पास करेगा, किसी भी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, ये फोकस से पास किया, ठीक है। और दूसरा रे आपके देखो, दूसरा रे इन्होंने फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ये चला गया। ये दोनों रे आगे चल के कहीं मिल नहीं सकता है तो हमने इधर बढ़ाया, देख लो पैरेलल हो गए, ये दोनों रे पैरेलल हो गए। yes, ये हो गया इमेज फॉर्म्स एट इनफिनिटी। अब इसमें एक चीज और बता देते हैं, बुक वाले इस लाइन को यहां मिला दिए हैं, इस लाइन को यहां मिला दिए हैं और यहां से भी ये इधर मोड़ दिए, यहां से भी इधर मोड़ दिए, इसको भी इन्होंने पीछे की ओर बढ़ा दिया, ये आपके ठीक है। इसलिए यहां पर ये ऑब्जेक्टिव था, ये आइलैंड्स हो गए हमारे पास, ये आइलैंड्स है। देखो अब यहां पर वर्किंग में रे डायग्राम आपने बना दिया, पहला टॉपिक रे डायग्राम। अब आपके वर्किंग में लिख लो रे डायग्राम, ये दे दिए, देखो प्रिंसिपल वगैरह हम पहले लिख चुके हैं, वही लिखना है, वर्किंग में केवल इतना ऐड करना है। यहां से वर्किंग
वर्किंग में देख लो एंड पहला पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन वर्किंग पहला पॉइंट द एस्टिमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज साउंड इन फिगर सेकेंड में हेयर AV is object lying between F note dash and 2 F note dash but very close to F note dash object lying between this whose image is A dash B dash. Of A dash B dash beyond 2F note. बस हो गया भाई इसका अब हम आइलैंड को एडजस्ट इस तरह से करते हैं A dash B dash F ही के ऊपर पड़े C में सी में देखो अब आपके आइलैंड्स इज एडजस्टेड बाय रैक यहां याद रख लो रैक एंड पिनियन मेथड सच दैट A dash B dash lies on its focus F E dash whose image forms at infinity हो गया बेटा इतना ही वर्क में जिसके कारण जब हम एफ ई पर रखेंगे और आप जानते हैं एफ पर रखने वाला का इमेज इन्फिनिटी पर बनता है आगे तो बनेगा नहीं तो पीछे तो हमें देखने वाला कहाँ से देखते हैं यहीं पर एक आई हम बना देते भाई ऐसे आंख बना दो ये हो गया बस आंख हो गया भाई यस सर सर आपके आँख से मिलता जुलता है हाँ ठीक सर मेरा नहीं है अब देखो मैग्नीफाइंग पावर रे डायग्राम हो गए वर्किंग हो गए मैग्नीफाइंग पावर इसका डेफिनेशन देते हैं द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय या सबटेंडेड बाय last image at I to the angle subtended by object at I ये हमारा definition में लिखे simple सा ratio of angle subtended last image at I to the angle subtended by object at I. At I when both
इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा है इसलिए यहाँ पर हम इसका देखते हैं। आगे बात समझ में? अब यहां पर एक्सप्रेशन 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 फॉर मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर दैट इज एम इक्वल टू एम नॉट इन टू एम ई मैंने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस हेयर एम नॉट इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट यहां पर बताए थे भी ये यू नॉट हो गए हमारे पास ये हमारे पास यू नॉट है और यहां से लेके यहां तक जो हम बनाए हैं ये हमारे पास वी नॉट है बट वी ए डैश बी डैश इज वेरी क्लोज टू आइलैंड्स आइलैंड्स देयरफॉर वी नॉट इक्वल टू एल दैट इज लेंथ ऑफ ट्यूब ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप बेटा यहां से यहां तक का ट्यूब जो है ये लेंथ हम यहां से आते दिखा देते हैं ये लेंथ एल लिखते हैं ये एल हो गया अब यहां पर एल हो गए वी नॉट की जगह ये लिख दिए देयरफॉर एम नॉट इक्वल टू माइनस एल अपॉन यू नॉट एंड व्हेन इमेज फॉर्म्स At infinity, infinity, then m e equal to d y f e. याद करो, d y f e. अब यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर आ जाएगा. Therefore, m equal to आपके m naught into m e. Result क्या हो गया? m equal to माइनस एल अपॉन यू नॉट इन टू डी अपॉन एफ ई दैट इज फोकल लेंथ ऑफ दिस दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दिस इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया समझ में अब आपके पेपर में चाहे हमारा इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के चाहे इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी के दोनों केस आप लिख सकते हो आगे बात समझ में अब इस आधार पर आप इसका क्वेश्चन क्या रहेंगे देख लो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी तब आपको ये करना है ऊपर का प्रिंसिपल वगैरह सब वैसे लिखना है इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल वगैरह सारा वैसे तो वैसे लिखना है ओके okay?